वेलकम माय यूट्यूब चैनल पॉली गुरु जी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं मिनी ड्राफ्टर से कोण को कैसे मापा जाता है। मित्रों, एक क्षैतिज रेखा ली जाती है, कहीं भी आप पेज पे कहीं भी ले सकते हो। सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा लिया जाता है, ठीक है। उस क्षैतिज रेखा से ये आप देख रहे हो, इसमें यहाँ देखो ध्यान से, इसमें ये जीरो है, जीरो वाली लाइन इस कटी हुई लाइन के सीध में आनी चाहिए। अगर है तो आपका कोण जो लेंगे वो सही है, सही आएगा। अगर नहीं है तो फिर आपका कोण गलत आएगा। अगर नहीं है तो त्रुटिपूर्ण आपका एमडी है, मिनी ड्राफ्टर है। तब इसको क्या किया जाता है कि आपको जितना अंश का कोण लेना हो, मान लो हमें लेना है 40 अंश का ही कोण लेना, देखो 40 अंश के सामने ला दिया मैंने इसको। 40 अंश के सामने लाने के बाद मैं इस रेखा पर कहीं भी मुझे जिस पॉइंट पर कोण लेना हो उस बिंदु से लेके और यहाँ पे एक रेखा खींच लूँगा, ठीक है। मैंने इस रेखा को खींच लिया। अब मैं इसको कोण चेक करने के लिए इसका प्रयोग करता हूँ, इससे कोण देख लेता हूँ मेरा कोण सही सही आया कि नहीं आया। मैंने उस मिनी ड्राफ्टर से कोण जो लिया था वो 40 अंश का लिया था, देखिए दोस्तों 40 अंश का कोण आ गया, बिल्कुल एकदम सही सही 40 अंश। तो इस तरह से जो कोण है वो मिनी ड्राफ्टर से नापा जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि फिर हमें नापना हो, चलिए कोई और ही मान लीजिए, फिर एक क्षैतिज रेखा खींच ली छोटी सी 5 अंश या 125 अंश। तो 125 अंश का कोण पहले 95 देख लीजिए। ऐसे इसको कब तक घुमाएंगे, जब तक इसके सामने 95 ना आ जाए। अभी 70 या 80 या 90 और यहाँ से 95, 90 और 100 के बीच में इस पॉइंट से इधर रेखा खींच लेंगे। अब जरा नाप लें कि कौन सही है कि गलत है, तो यहाँ से नाप लीजिए। यहाँ देखिए 95 अंश आ गया, यहाँ पे जो कोण है वो हमारा 95 अंश का हो गया। ऐसे ही में नापना हो 125 अंश, 125, फिर हमने एक छोटी सी क्षैतिज रेखा खींच लिया, यहाँ पर 125 नापना है। तो 125 इसको घुमाते रहिए, आप उस समय तक घुमाते रहिए जब तक कि सामने इसके 125 अंश नहीं आ जाता। देखिए संजोग से इसमें 120 अंश तक ही दिया है, तो आप 120 अंश तक का ही कोण नाप सकते हो, चलिए कोई बात नहीं। जो रेखा आएगा वही होगा ना, तो बिल्कुल यहाँ से ये देखिए 120 अंश दिख रहे हैं, यहाँ 120 अंश, ये कोण कितने का हो गया 120 अंश। तो इस तरह से दोस्तों मिनी ड्राफ्टर से किसी भी कोण को आसानी से मापा जा सकता है। बाई चांस एग्ज़ाम में आप ये ना ले गए हो, कोण नापने की डिवाइस जिसको हम चादा कहते हैं, कंपास कहते हैं, आप इसको ना ले गए हो तो इससे कोण एमडी से भी नाप सकते हो आप। या इनके सिवा, इन दोनों के सिवा एक और होता है कोण नापने की डिवाइस, उसको जीवा मापने कहते हैं, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।